हेलो, कैसे हो आप साहब? तो आज हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 लेके। ठीक है, तो भैया आज का हमारा मेन टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स या आयोनिक बॉन्ड, देखते हैं क्या कहना चाहता है। और जैसे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड्स कैसे कैसे बनते हैं, कि या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे या तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पैर की शेयरिंग से होगा। अब आयोनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड में होता यह है कि कभी भी अगर तुम नाम सुनो आयोनिक, तो आयोनिक में ही वर्ड छुपा हुआ है आयन, आयन्स। मतलब कि यहां पे जो भी बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। अब आयन्स हमारे जीवन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कटायन्स, एक होता है अनायन्स। कटायन्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन्स वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या होता है अभी मोटे मोटे रूप में खाली बताया, अभी पढ़ेंगे पूरा विस्तार में आगे। अब बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि वो बॉन्ड जो आयन्स की मदद से बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आपके उसमें दो आपको पढ़ने हैं, एक तो है हमारा आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, और आपको फिर पढ़ना है, NaCl में लिख देता हूं, आयोनिक बॉन्ड इन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे रूप में बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें जो बात देखनी है वो ये देखनी है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आर, तो दोनों की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो सबसे पहले तो हमें लिखना है सोडियम का सिंबल Na और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, और क्लोरीन का लिखे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर को हम किससे दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z से हम दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे आ जाएगी, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। कहाँ सीखा है सर? अपना ये इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ना देखा हो तो वो जरा एक बार गो थ्रू करके आना, तभी ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक और भाषा में लिखा जाता है और 2.8.1 ऐसे। इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, या इसको हम ऐसे एक और तरीके से लिख सकते हैं 2.8.7। देखो जरा ध्यान से, ये जो वन है क्या बता रहा है, पहला ऑर्बिट सबसे अंदर वाला, तो पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, टू। ये है दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। जरा ऐड करो, आंसर 11 आ रहा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्लोरीन का भी है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। ये सब बातें ऑलरेडी बहुत डिटेल में हो चुकी है, कहाँ हुई है सर, ये हो चुकी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप वहां पे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, तो इस पे पूरा लेक्चर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं हम अभी। अब जैसे ही ये लिख दिया तो इसके बाद करना क्या, अब हम बनाना इन दोनों के बीच में बॉन्ड। तो जरा ध्यान से सुनना और समझना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है बाय
गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप चाहिए तो ऐसा ही बोल सकते हो, बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे समझाते हैं, हमारा जो सोडियम होता है उसकी टेंडेंसी होती है, सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और हमारा जो क्लोरीन होता है हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब सवाल ये यहां पे उठता है कि सोडियम ही क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन ही क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका सिंपल सा आसान का जवाब है कि हमारा जो सोडियम होता है वो होता है मेटल, क्या होता है मेटल, तो मेटल की टेंडेंसी हमने पढ़ा है एक्चुअल में दसवीं में लोअर क्लासेस में कि मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और वहीं पे हमारा जो एक क्लोरीन ये है क्या है नॉन मेटल, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए रहता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है नॉन मेटल, सोडियम क्या होता है मेटल, इस रीजन की वजह से। दूसरा एक और रीजन होता है जो इस चैप्टर में हमें देखना है, अब वो क्या रीजन है, इसीलिए आप इलेवेंथ में आए हो, टेंथ तक इतना पढ़ लिया, अब इलेवेंथ में क्या पढ़ोगे वो सुनो। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इसीलिए करते हैं ताकि ये लोग बन जाए ताकि ये लोग अटेन कर ले, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सर ये तो लास्ट लेक्चर में भी कुछ सुना सुना लग रहा है, जी हाँ वही है, ठीक है। अब सोडियम के नजदीक वाली कॉन्फिगरेशन देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2.8, ये होती है नियॉन की कॉन्फिगरेशन, किसकी होती है नियॉन की, और नियॉन होता है हमारा नोबल गैस, ग्रुप नंबर 18 का होता है, ये कहां का होता है ग्रुप 18 का, ठीक है। अब हमारे क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसके नजदीक वाला कैसे होगा, देखो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन जाएगा मेरे ख्याल से आर्गन 2.8.8, ठीक है 2.8.1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना दिया 2.8.8 और आर्गन की कॉन्फिगरेशन हो गई। आर्गन भी कौन से ग्रुप का है, ये भी है ग्रुप 18 का, ठीक है। अब इतना होने के बाद आगे क्या होगा, आगे ये होता है कि जैसे ही सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो बन जाता है Na+। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो तुम्हारे पर चार्ज क्या आएगा प्लस। इसको यूं समझो तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने किसी दोस्त को उधार में दे दिए, ठीक है, तो तुम तो देते नहीं हो, मेरे को पता है, हाँ तो मान लो कि हाँ तुमने दे दिए उधार पे, तो उधारी किस पे गई, कर्जा किस पे चढ़ा, तुम्हारे दोस्त पे, और तुमने दिया तो तुम पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब जिस पे कर्जा चढ़ा इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा Cl-। कब बनेगा, जब ये लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 2.8, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा 2.8.8, और यही बातें तो इधर लिखी है मैंने, दिखा अच्छे से, पक्का श्योर, इस हिसाब से होता है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर शुरू और खत्म। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे आओ बॉन्ड बनाए, क्या बोलेंगे आओ बॉन्ड बनाए, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसा देखेंगे, अरे तुम आ गए मेरे पास, तो ये आ जाएगा चलो हम एक काम करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बना है इसीलिए आयोनिक बॉन्ड, इसीलिए क्या कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। अब
आपको रिएक्शन अगर देखनी है तो वो भी अभी दिखा देंगे हम। पहले फटाफट इतना नोट डाउन करो कि रिएक्शन दिखाई देते, चलो दिखाई देते ऊपर कहीं पे। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन कुछ इस प्रकार से चलेगी, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि एन ए जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम एक काम करते हैं, कौन से वाले दिखाए, आउटर मोस्ट ही दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन, दो वाला नहीं दिखा रहे, ठीक है। वैसे ही ठीक क्लोरीन का हम दिखाते हैं बाहर वाला सबसे, तो 1, 2 इधर एक ही बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे, सर ये क्या बना रहे हो, डॉट डॉट, आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा। इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जब कोई दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। अभी तो पूरी केमिस्ट्री बाकी है, अभी के लिए खाली आप सुनते रहिए, ये पूरा भी समझ में आएगा लोन पेयर क्या होते, कैसे होंगे, कहाँ समझ में आएगा पूरा। तो यहां से क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा और ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस हिसाब से प्लस, और यहां पे एक और था प्लस, इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा बिकॉज इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब जैसे ये हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस बोलेंगे, आओ बॉन्ड बनाए, तो Na प्लस Cl माइनस जुड़ जाएंगे और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, NaCl, इस हिसाब से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन्स के बीच में बॉन्ड बना है, नोट कर लो फटाफट एकदम जल्दी जल्दी। ये जो देश है तेरा, देश है तेरा, तुझे हाँ बुलाता, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमल कर दो, तुम हार के दिल अपना, मिटा दू, चलो मेरी जीत अमल कर दो। अब जैसे इसका किया ठीक उसी प्रकार से हमें कैल्शियम क्लोराइड का भी करना है, आइए तुम्हारे दिल अपना, मेरी जीत अमल कर दो, हमने तो जब कलियां मांगी तो काटो भर मिला, जाने वो कैसे लोग थे जीवित। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आयोनिक बॉन्ड इन कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाए, जैसे हम सबको पता है कैल्शियम को हम सी ए से लिखते हैं, क्लोरीन को हम सी एल से लिखते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम सबको पता है कितना होता है, 20, याद है कि नहीं याद है। और क्लोरीन का कितना होता है, 17, कितना होता है, 17। चलो आगे देखते हैं, अब कॉन्फिगरेशन लिखी जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिन लो जरा, देखो ये हो गए 10, ये हो गए 18 और ये हो गए 20, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p5। ये आ गए क्लोरीन की भी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वही वापस बात के हमारा जो सोडियम बबुआ है, सॉरी कैल्शियम बबुआ है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और क्लोरीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की।
क्यों होती है? सबसे पहला रीजन, बिकॉज कैल्शियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, इस रीजन की वजह से। दूसरा रीजन आज हम पढ़ेंगे कि दूसरा रीजन ये है कि जैसे ये लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते अपने अंदर से, तो बना देते ये लोग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो होती है 2.8.8 वाली। कौन सी होती है? 2.8.8। देखो 2, ये 8 और ये 8, जैसे ये बना दे लोग क्या बन जाएंगे? आर्गन बन जाएगा ये बहुआ। ध्यान देना यहां पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, जरा क्लोरीन की बात करते, तो क्लोरीन जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता बिकॉज उसके पास कितनी जगह खाली पड़ी है? 1। सर ये कैसे हुआ, ये हमें नहीं समझ में आया। देखो जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 5। जगह कितने की बची है? 1 इलेक्ट्रॉन की। सर ये सब आप कहां पढ़ाए हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी उसमें जगह बची है, तो इसने 2 निकाले, ये तो 1 ही ले सकता है, तो हम क्या करते हैं क्लोरीन का एक और एटम लेके आते हैं, क्लोरीन का एक और एटम लेके आते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड पर क्लोरीन एटम। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो लोग क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड इतना लिख देते हैं, और ये पर क्लोरीन एटम नहीं लिखते, वो मान के चलते कि आपको पता होगा ऐसा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इनकी रिएक्शन लिखी जाए, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि क्लोरीन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो कैल्शियम के पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास बाहर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे? देखो जरा ध्यान से, तो ये भाई साहब हमारे बना देंगे कौन से इलेक्ट्रॉन? देखो तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किससे ले लिया? कैल्शियम से, तो इस पे आ गया क्या? माइनस चार्ज। क्या आ गया? माइनस चार्ज। प्लस कैल्शियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। कैल्शियम ने कितने निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ गया प्लस 2 का चार्ज। प्लस क्लोरीन ने यहां पे एक और था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस पे कितना आया चार्ज? -1। सर ये नहीं आया थोड़ा समझ में, देखो इजी है बहुत। कैल्शियम ने अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 क्लोरीन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 क्लोरीन ने इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और 1 क्लोरीन ने इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जैसे ही यह हुआ तो देखो यहां पे इनके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इनके भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम के ऊपर क्या आ गया? कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। चार्ज की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस, लेकिन कैल्शियम ने कितने निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या आया? पॉजिटिव प्लस 2 का चार्ज आया, पॉजिटिव 2। अब यह रिएक्शन अगर पूरा फाइनल में लिखे तो Cl प्लस Cl माइनस प्लस Ca प्लस 2 प्लस Cl माइनस, तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि यहां से बन जाएगा हमारा CaCl, Ca प्लस 2 Cl, अगर यहां पे लिख दे ऐसे हम 2 माइनस, ठीक है रुको अच्छे से लिखते हैं, तो देखो जरा Ca प्लस 2 और Cl माइनस की कितने तुमने लिए एटम्स? 2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं CaCl2। तो एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनता है वो हम दिखाते हैं। तो ये Ca है, यहाँ पे क्लोरीन लगा रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे बने हैं? आयोनिक बॉन्ड से बने हैं। कैसे बने हैं? आयोनिक बॉन्ड से बने हैं। ठीक है, इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीट। यहाँ पे होता है हमारा एक टॉपिक खत्म, छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, आप खाली इतना पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इसके बाद आने वाले में हम लोग पूरा एक साथ हो निपटाएंगे लैटिस एनर्जी वाला, ठीक है कॉन्सेप्ट। तो आप इतना कर लीजिए, आपको लैटिस एनर्जी में कभी आगे जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, अगर नेक्स्ट वीडियो आपने देख लिया तो अच्छे से।
ओके तो पढ़ लो और थैंक यू सो मच।